सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सारे रिश्ते विश्वास के डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूटी तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल है। जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे तब समझ लेना चाहिए ये रिश्ता समाप्ति की ओर है। अकेलेपन और इच्छाओं के बुनियाद पर शुरू होने वाला रिश्ता बुरा वक्त आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। आज का पंचांग 3 मार्च 2024 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 8:45 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र दोपहर 3:55 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:59 से 6:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मकर राशि 3 मार्च 2024 दिन रविवार, आज के दिन आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रह सकता है। सामाजिक योजनाओं को बल मिलेगा। आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है और आपकी पद पर प्रतिष्ठा बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में आपको जीत मिलेगी। आप अपने कामों में आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको विभिन्न गतिविधियों से जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। कार्यस्थल अभी आपके लिए अवसर का स्थान है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कई अच्छे काम करने पड़ते हैं और इसे खोने के लिए केवल एक बुरा काम ही काफी है। आज के यह दिन बातचीत, मैत्री, पत्र व्यवहार और संपर्क से जुड़ा हुआ है। सामाजिक और सामूहिक गतिविधियां आज के दिन का आकर्षण है और इनसे आपको फायदा होगा। लोगों के कौशल वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपको तोड़ या जोड़ सकती हैं। विश्वास हो सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। अपने दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए आप कुछ विशेष योजनाएं बनाएंगे। साथ ही समय नजदीकी मित्रों के साथ मनोरंजन संबंधित आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। बच्चों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए नए काम की शुरुआत करनी होगी। दूसरों की बातों में ज्यादा अपनी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। आप एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। विचारों में आ रहे परिवर्तन की वजह से नई बातों को अपनाना आपके लिए आसान होगा। नए काम की शुरुआत करने से पहले अनुभवी लोगों के साथ चर्चा करें। जरूरत से अधिक निवेश न करें वरना नुकसान हो सकता है। जिन बातों से संबंधित नाराजगी है उनके बारे में चर्चा करने से पार्टनर से मदद मिल सकती है। सावधानियां, दिल के अपेक्षा दिमाग से निर्णय लें क्योंकि भावनाओं में बहकर आप कोई गलती कर सकते हैं। बच्चों के मार्गदर्शन के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। आज किसी को उधार ना ही दे तो अच्छा है क्योंकि वापसी संभव नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच ले कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी अहमियत अधिक है। इसके बाद ही अपने दिल की बात को जुबा पर लेकर आए। याद रखें, रिश्तों में निवेश भविष्य में लाभदायक होगा। लोगों से मिले जुले व अलग अलग स्थानों पर जाएं, इससे आपको खुशी मिलेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पसंद भी कर सकता है। बस उनसे एक बार बात तो करके देखें। अपने पार्टनर से बात करके सारे गलत फहमियां दूर कर लें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे का हाल चाल पूछें या प्यार का इजहार करें। इससे आपका प्यार आसमां को छुएगा। बात करते हैं करियर की। व्यवसाय में जोखिम लेने से बचें और नई तकनीकों के प्रयोग से पहले नवीनतम मांगों का ध्यान रखें। आजीविका के लिए नई परियोजनाओं का शुरू होना भी आपके कार्ड्स में है। आज के दिन पारिवारिक संपर्क और संचार से जुड़ा हुआ है। लोगों से काम निकलवाने की कुशलता अब आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह बहुत काम की चीज है। इस कुशलता को विकसित करने के लिए यह अच्छा समय है। बस अहंकार से बचें। बात करते हैं सेहत की।
घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, परंतु साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। पैर दर्द और बुखार जैसी तकलीफ भी हो सकती है, पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को या जरूरतमंद को गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।